बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मैं मनोहर लाल जी का बहुत ही अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है। हम लोग राज्यपाल जी के यहाँ जाएंगे और वहां पर एक बहुत ही स्थायी सरकार बनेगी, औपचारिक आमंत्रण का आग्रह करेंगे, जिसमें दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी और अपने इंडिपेंडेंट विधायकों का समर्थन होगा और बहुत ही स्थायी, प्रामाणिक, ईमानदार, प्रभावी सरकार यहां हम देंगे। मुझे अपने ओर से इतना ही कहना था। आपके आप कोई सवाल हो तो उसका हम उत्तर देंगे। और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, गोपाल कांडा से पार्टी कोई समर्थन नहीं ले रही है। दैट्स ऑल द मैटर इज देयर। जी जी, पार्टी में चली ऐसा है, ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, ये उनका विवेक है। कौन मंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कितने बनेंगे, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण के बाद तय करेंगे। इसलिए उस बारे में अभी कोई सवाल करना उचित नहीं होगा। एक मिनट आपको बता दूं कि जो बातचीत वैसे हुई है, उप मुख्यमंत्री एक ही रहेंगे, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम लोग राज्यपाल महोदय को अपनी ओर से पत्र देने के लिए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नाते से जो नेता चुने गए हैं, जिसमें मेरे नाम का यहाँ एक प्रकार से चुना गया है नेता के रूप में, और समर्थन के नाते जैसा हमारे केंद्रीय प्रेक्षक श्री रविशंकर जी ने बताया है, सब लोग हम मिलकर के और राज्यपाल महोदय के पास लगभग 2:30 बजे के आसपास जाएंगे, उनको बताएंगे, उसके बाद वो समय बताएंगे, तिथि बताएंगे। क्या संतुष्ट है समीकरण को देखिए, अलायंस हो रहा है? नहीं देखिए, ये हमने तो बिल्कुल चाहा था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की अकेले सरकार बने और उसके लिए हमने प्रयास भी किया था, लेकिन जनता का जो मैंडेट आया है, जनता का मैंडेट आया है कि हम मिलीजुली सरकार बनाएं, और जनता के मैंडेट को मद्देनजर रखते हुए हम मिलीजुली सरकार बना रहे हैं। सर, गोपाल कांडा को सरकार का हिस्सा बनाना नहीं, अब भी सवालिया निशान? नहीं, कोई सवालिया निशान नहीं है गोपाल कांडा का, हम सरकार में बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। अब एक आजाद आदमी है, वो किसी को समर्थन करे, किसी को समर्थन ना करे, उसको रोका भी नहीं जा सकता है, हम उसका समर्थन नहीं ले रहे। अगर बात करें सर फार्मूले की, बात की सीएम डिप्टी सीएम, आपको लगता है फार्मूले में कहीं ना कहीं आपके नाम भी चर्चा में आ रहा है डिप्टी सीएम के लिए? नहीं नहीं, देखिए मेरा नाम कहीं कोई नहीं होता है, मैं तो पार्टी का एक बहुत वफादार सिपाही हूँ। मुझे तो इस सरकार में सरकार बन रही है, जो भी दायित्व दिया जाएगा मैं उसको अच्छी तरह से निभाऊंगा। आप फार्मूले से सहमत है? नहीं बिल्कुल, ये हमारे नेताओं ने तय किया है, हम बड़ा ग्रुप है इसलिए हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो उनका छोटा ग्रुप है उनका डिप्टी सीएम बनेंगे, वो डिप्टी सीएम किसको बनाते हैं ये जेजेपी के ऊपर है, हम सीएम किसको बनाते हैं ये भारतीय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मैं मनोहर लाल जी का बहुत ही अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है। हम लोग राज्यपाल जी के यहाँ जाएंगे और वहां पर एक बहुत ही स्थायी सरकार बनेगी, औपचारिक आमंत्रण का आग्रह करेंगे, जिसमें दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी और अपने इंडिपेंडेंट विधायकों का समर्थन होगा, और बहुत ही स्थायी, प्रामाणिक, ईमानदार, प्रभावी सरकार यहां हम देंगे। मुझे अपने ओर से इतना ही कहना था। आपके आप कोई सवाल हो तो उसका हम उत्तर देंगे। और गोपाल कांडा जी को लेकर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, गोपाल कांडा से पार्टी कोई समर्थन नहीं ले रही है। दैट्स ऑल द मैटर इज देयर। जी जी, पार्टी में चली ऐसा है, ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, ये उनका विवेक है। कौन मंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कितने बनेंगे, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण के बाद तय करेंगे। इसलिए उस बारे में अभी कोई सवाल करना उचित नहीं होगा। एक मिनट आपको बता दूं कि जो बातचीत वैसे हुई है, उप मुख्यमंत्री एक ही रहेंगे, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम लोग राज्यपाल महोदय को
अपनी ओर से पत्र देने के लिए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नाते से जो नेता चुनाए गए हैं, जिसमें मेरे नाम का यहाँ एक प्रकार से चुना गया है नेता इस रूप में, और समर्थन के नाते जैसा हमारे केंद्रीय प्रेक्षक श्री रविशंकर जी ने बताया है, सब लोग हम मिलकर के और राज्यपाल महोदय के पास लगभग 2:30 बजे के आसपास जाएंगे, उनको बताएंगे, उसके बाद वो समय बताएंगे, तिथि बताएंगे। क्या संतुष्ट है समीकरण को देखते हैं, अलायंस हो रहा है? नहीं देखिए, ये हमने तो बिल्कुल चाहा था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की अकेले सरकार बने, और उसके लिए हमने प्रयास भी किया था, लेकिन जनता का जो मैंडेट आया है, जनता का मैंडेट आया है कि हम मिलीजुली सरकार बनाएं, और जनता के मैंडेट को मद्देनजर रखते हुए हम मिलीजुली सरकार बना रहे हैं। सर, गोपाल कांडापुर सरकार का हिस्सा बनाना नहीं है, अभी भी सवाल निशान? नहीं, कोई सवालिया निशान नहीं है गोपाल कांडा का, हम सरकार में बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। अब एक आज़ाद आदमी है, वो किसी को समर्थन करे किसी को समर्थन ना करे, उसको रोका भी नहीं जा सकता है, हम उसका समर्थन नहीं ले रहे। अगर बात करें सर फार्मूले की, बात की है सीएम डिप्टी सीएम, आपको लगता है फार्मूले में कहीं ना कहीं आपके नाम भी चर्चा में आ रहा है डिप्टी सीएम के लिए? नहीं नहीं, देखिए मेरा नाम कहीं कोई नहीं होता है, मैं तो पार्टी का एक बहुत वफादार सिपाही हूँ, मुझे तो इस सरकार में सरकार बन रही है, जो भी दायित्व दिया जाएगा मैं उसको अच्छी तरह से निभाऊंगा। आप फार्मूले से सहमत है? नहीं बिल्कुल, ये हमारे नेताओं ने तय किया है, हम बड़ा ग्रुप है इसलिए हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो उनका छोटा ग्रुप है उनका डिप्टी सीएम बनेंगे, वो डिप्टी सीएम किसको बनाते हैं ये जेजेपी के ऊपर है, हम सीएम किसको बनाते हैं ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मैं मनोहर लाल जी का बहुत ही अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है, हम लोग राज्यपाल जी के यहाँ जाएंगे और वहाँ पर एक बहुत ही स्थायी सरकार बनेगी, औपचारिक आमंत्रण का आग्रह करेंगे, जिसमें दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी और अपने इंडिपेंडेंट विधायकों का समर्थन होगा, और बहुत ही स्थायी प्रामाणिक ईमानदार प्रभावी सरकार यहाँ हम देंगे। मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था, आपके अब कोई सवाल हो तो उसका हम उत्तर देंगे। और गोपाल कांडा जी को लेकर एक मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, गोपाल कांडा से पार्टी कोई समर्थन नहीं ले रही है, दैट्स ऑल द मैटर इज देयर। जी जी, ऐसा है, ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, ये उनका विवेक है, कौन मंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कितने बनेंगे, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण के बाद तय करेंगे, इसलिए उस बारे में अभी कोई सवाल करना उचित नहीं होगा। एक मिनट आपको बता दूं कि जो बातचीत वैसे हुई है, उप मुख्यमंत्री एक ही रहेंगे, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम लोग राज्यपाल महोदय को अपनी ओर से पत्र देने के लिए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नाते से जो नेता चुनाए गए हैं, जिसमें मेरे नाम का यहाँ एक प्रकार से चुना गया है नेता इस रूप में, और समर्थन के नाते जैसा हमारे केंद्रीय प्रेक्षक श्री रविशंकर जी ने बताया है, सब लोग हम मिलकर के और राज्यपाल महोदय के पास लगभग 2:30 बजे के आसपास जाएंगे, उनको बताएंगे, उसके बाद वो समय बताएंगे तिथि बताएंगे। क्या संतुष्ट है समीकरण को देखते हैं, अलायंस हो रहा है? नहीं देखिए, ये हमने तो बिल्कुल चाहा था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की अकेले सरकार बने, और उसके लिए हमने प्रयास भी किया था, लेकिन जनता का जो मैंडेट आया है, जनता का मैंडेट आया है कि हम मिलीजुली सरकार बनाएं, और जनता के मैंडेट को मद्देनजर रखते हुए हम मिलीजुली सरकार बना रहे हैं। सर, गोपाल कांडा को सरकार का हिस्सा बनाना नहीं है, अभी भी सवाल निशान? नहीं, कोई सवालिया निशान नहीं है गोपाल कांडा का, हम सरकार में बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। अब एक आज़ाद आदमी है, वो किसी को समर्थन करे किसी को समर्थन ना करे, उसको रोका भी नहीं जा सकता है, हम उसका समर्थन नहीं ले रहे। अगर बात करें सर फार्मूले की, बात की है सीएम डिप्टी सीएम, आपको लगता है फार्मूले में कहीं ना कहीं आपके नाम भी चर्चा में आ रहा है डिप्टी सीएम के लिए? नहीं नहीं, देखिए मेरा नाम कहीं
कोई नहीं होता है। मैं तो पार्टी का एक बहुत वफादार सिपाही हूँ, मुझे तो इस सरकार में सरकार बन रही है, जो भी दायित्व दिया जाएगा मैं उसको अच्छी तरह से निभाऊंगा। आप फार्मूले से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल, ये हमारे नेताओं ने तय किया है, हम बड़ा ग्रुप है इसलिए हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और वो उनका छोटा ग्रुप है उनका डिप्टी सीएम बनेंगे। वो डिप्टी सीएम किसको बनाते हैं ये जेजेपी के ऊपर है, हम सीएम किसको बनाते हैं ये भारतीय